मॉर्निंग एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम है मम्मा एंजल्स। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना सुबह से। चलिए, मैं किचन से आ गई हूँ, अब बेबीज को उठाते हैं, आइए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे छोटे छोटे बेबीज सोए हुए हैं। पापा को बोल दो, पापा गुड मॉर्निंग। नानी गेट अप बेबी, उठो, सुबह हो गई है, इधर आओ। दीदी को भी बुला ले अपने पास। गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी बच्चे सोए हुए हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी गहरी नींद में सोए हुए थे। तो चलो अब हम ब्रश कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको ब्रश करने के बाद, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, बच्चों ने ब्रश कर लिया है, अब मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। चलिए फिर बच्चों को। फ्रेंड्स, मैं भी अभी छोटी है, उसे मुझे खुद खिलाना पड़ेगा। देखिए, धानी ब्रेड ले रही है रास्ते में और अनव्या पराठे खा रही है। सो फ्रेंड्स, बच्चे नाश्ता करते हैं, कार्टून भी देख रहे हैं, ब्रेकफास्ट और कार्टून दोनों एंजॉय कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी बच्चों का नाश्ता हो गया है। इधर मैं अनव्या की कॉल कर लेती हूँ, बैठो इधर। आपके हेयर ऐसे रखने हैं, पीछे से क्लोज करना है, ऐसे रखना है, गर्मी तो लगेगी आपको। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अनव्या की कॉम हो चुकी है, कैसी लग रही है अनव्या? अनव्या सुंदर बन गया है ना रानी बेटा? आप भी आओ, आपकी कॉम कर देती हूँ मम्मा। मम्मा ने और काम देखे हैं। सो फ्रेंड्स, रानी की भी कॉम कर लेते हैं। वैसे तो ये खुद कर लेती है अपनी कॉम, पर आज मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ उसकी कॉम। मेरे बच्चे मेरी हेल्प कराते रहते हैं, मेरे छोटे छोटे काम में, उससे मुझे अपने काम को जल्दी से निपटाने में हेल्प मिल जाती है। और उसके बाद मैं बच्चों का टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, छोटे कराती हूँ। आज मेरा अचानक से मन किया कि मैं सुबह से आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं ऑल डे का। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे धानी की भी कॉम हो गई है। पीछे से क्या करना, क्लोज करना है, ऐसे रखना। सो
तो फ्रेंड्स देखिए धानी और अनव्या ने सेम ही कॉम करवाई है, छोटे छोटे दो पोनी टेल करवाई हुई है। इधर आना फ्रेंड्स को दिखाना, दिखाओ मम्मा ये क्लोजर जाके दिखाओ, देखो आप भी दिखाओ धानी। ये देखिए दोनों ने सेम ही कॉम करवाई है। देखिए यहाँ पे मेरा बिस्तर सेट हो गया है, आपको अब हम पिलो लगा लेते हैं। फ्रेंड्स मैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ चलती हूँ, अभी मुझे घर की सफाई करनी है, तो मिलती हूँ आपको सफाई करने के बाद। सो फ्रेंड्स मम्मा सारी घर की सफाई करने गई हुई है, तब तक हम क्या करें? तो फ्रेंड्स अब आप भी देख लीजिए, फ्रेंड्स देख सकते हैं आप।
स्टाइल लगाया क्योंकि मेरे पास ज्यादा ग्लिटर पेपर नहीं था, इसलिए मैंने बस ऐसा स्टाइल लगा दिया। मेरे पास ऐसे कटा हुआ था, मैंने सोचा यहाँ पे लगा देते हैं। तो मशरूम लग रहे हैं ना, आप इसे अम्ब्रेला भी बोल सकते हैं और मशरूम भी हैंगिंग। आप तो मुझसे भी बड़े हो गए हैं, आप तो मुझसे भी बड़े हो गए, चेयर पे खड़ी हुई है। और फ्रेंड्स आप जो ये ड्रॉअर देख रहे हैं ना, इस पे ये जो रूम है ये छोटी डॉल का है, दीदी ने बनाया था, और ये है कागज का। और अगर हमको वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करें। चलो फ्रेंड्स, मैं अलमारी में से हमारी न्यू ड्रॉल्स लेके आ जाती हूँ। तो कभी से इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दे दो, वरना वीडियो में भी मिल जाओगे। चलो सफाई करके आ चुकी है। आइए मम्मा पधारिए। चलो बैठो, मम्मा आपके लिए बनाना लेके आई है। सो फ्रेंड्स, बच्चों के नाश्ते के बाद अब उनके फूड का टाइम है, तो चलो बच्चे बैठो। ये देखिए मैं इनके लिए बनाना लेके आई हूँ, अभी बनाना खा लेते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। सो जब तक बच्चे बनाना खा रहे हैं, मैं अपना कुछ और काम देख लेती हूँ। सो बच्चे ध्यान से खाना, ठीक है, धीरे धीरे कहीं आपके गले में लग जाए, ठीक है। मम्मा भी किचन से आ रही है, ओके, थोड़ा काम करके आप बनाना खाओ आराम से। और खाते टाइम बात नहीं करते हैं, चुपचाप खाओ, ठीक है। दिन का समय हो रहा है, अब मैं अपने काम निपटा के रूम में आ गई हूँ। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और साथ में टीवी देखेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं थोड़ा तैयार हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फेस की क्रीम लगाई है। फ्रेंड्स, मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का ही करती हूँ।
तो आज आपके साथ वो भी शेयर कर देते हैं कि मैं अपना डेली का मेकअप कैसे करती हूँ। मैं अपनी मांग भर रही हूँ। ये प्लानर लगाने से फ्रेंड्स हमारे लिपस्टिक लगाने के बाद अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैं काजल लगाने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। कमेंट में बताइएगा मेरा आपको ये हल्का फुल्का सा मेकअप कैसा लगा। ये है मेरा डेली का मेकअप रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ। फ्रेंड्स मैं ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ। सो मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप कैसा लगा। सो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये सिंपल सा मेकअप लुक कैसा लगा। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अनव्या और धानी कैसे लग रहे हैं। इन्होंने स्पेक्स लगाई हुई है। सो फ्रेंड्स अब हो रहा है हमारे बच्चे के साथ प्लेइंग करने का टाइम। चलिए हम थोड़ा प्ले कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे बेबीज प्लेइंग कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे धानी ने अपना बार्बी हाउस बनाया हुआ है। उसे खेल रही है धानी। दिखाओ फ्रेंड्स को अपना बार्बी हाउस। फ्रेंड्स ये हैंडमेड है, धानी ने खुद बनाया है। ये है अनव्या का छोटा सा डॉल का किचन। सो फ्रेंड्स ये है धानी का हैंडमेड बाजी रूम। कैसा लगा आपको? धानी ने ऐसे बहुत सारे डॉल हाउस बनाए हुए हैं जिनके साथ वो डॉल के साथ ले सकती है। सो फ्रेंड्स अभी 3:20 हुए हैं यानी कि 3:15 बज गए हैं। ये टाइम है मेरे बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती का। आज फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी छोटी बार्बी अदा यहाँ पे अपनी बार्बी लेने के लिए गई है। ये है वो छोटी सी क्यूटी पाई बार्बी जिसके लिए धानी ने ये सुंदर सा रूम बनाया है। तो चलिए इसे लेके चलते हैं इसके हाउस में। ये अपने बैठ के जाके रेस्ट करेगी। अच्छा है ना?
ये है छोटी सी बार्बी की अलमीरा, इसमें इसका सामान रखा होता है। ये स्टिकर है, ये मेरे पास नया रूम से निकला था, अभी मैंने इसे लगाया है, इसमें मैंने और इसमें इसकी छोटी ये देखिए फ्रेंड्स, नव्या ने मेरे लिए चाय बनाई है। चलिए अब चाय पी लेते हैं। बहुत टेस्टी है आपकी चाय, लो पी हमने। सो फ्रेंड्स, आज ये पहली बार है कि मैं आपके साथ आज अपना पूरा दिन शेयर करूंगी। मेरा आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हुआ है और अभी टाइम। सो फ्रेंड्स, आज रात का खाने में मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कढ़ी को कैसे बनाती हूँ। एक बाउल में मैंने बेसन को छान लिया है और मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद देखिए मैंने पिसा हुआ धनिया, साल्ट स्वाद अनुसार, और फ्रेंड्स अभी मैं चिली पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ। देखिए, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अनिल्या कुछ ज़्यादा ही छोटी है, वो ज़्यादा चिली नहीं खाती है, तो पहले मैं कम चिली वाली कढ़ी बनाऊंगी, बाद में तड़का लगा के उसमें चिली पाउडर डालूंगी। सो फ्रेंड्स, इस स्पून के साथ से मैं इन सभी मसालों को बेसन में मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ ही हम इसमें जिंजर और गार्लिक क्रश करके डालेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने हैंड ग्राइंडर में लहसुन और अदरक को क्रश कर लिया। अब मैं इसे अपनी मसाले में मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। आज कढ़ी बना रही हूँ। दही को धीरे धीरे मिलाते हुए हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। ओके बेटा, इसका हम पतला घोल बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने दही और बेसन का पतला सा घोल बना के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई के अंदर हमारा जीरा मिर्ची भून के तैयार हो गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे चलाते हुए बेसन को। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसमें अपना दही और बेसन का घोल डाल दिया है। अब हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे, नहीं तो फ्रेंड्स क्या होगा कि हमारा जो दही है वो फटने लग जाएगा। इसलिए जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा, हम इसे धीरे धीरे कड़छी से यूं घुमाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी कढ़ी में धीरे धीरे उबाल आ रहा है। धीरे धीरे ये अपना रंग भी चेंज कर लेगी, थोड़ी और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। देखिए हमारी कढ़ी की रंगत कैसी लग रही है आपको। अब फ्रेंड्स, अभी इसमें एक और तड़का लगेगा, उसके बाद ये और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है जब ये अच्छे से पक जाएगी। इसे मैं मीडियम आंच पे काफी देर पकाऊंगी ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आ सके। हम कढ़ी को जितना ज्यादा पकाते हैं वो उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी कढ़ी में अब धीरे धीरे उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे ही इसमें पूरी तरीके से उबाल आ जाएगा तो मैं इसे मीडियम आंच पकने के लिए छोड़ दूंगी। सो फ्रेंड्स, अब हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसे मीडियम आंच पे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आपको मिलेंगे जब हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी, एक और तड़का लगाने से पहले।
साथ सोच रहे होंगे कि मैंने आपके साथ लंच का टीम को शेयरिंग नहीं किया। इसका अर्थ ऐसी है कि हम अधिकतर सुबह नाश्ता थोड़ा लेट कर लेते हैं और दिन में लंच भी करते हैं और हम शाम को भी चाय डिनर करते हैं और चाय के साथ बच्चा स्नैक्स भी लेते हैं, इसलिए मुझे भी लगता है। बुडू आप इधर आओ, दीदी भी आ जाएगी हमारे पास। मैं तो बिस्किट का फूंक मारा। इधर आओ आप, यहाँ आओ। हाँ बिस्किट का ना फूंक मारा। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 5 PM, हम मैक्सिमम इसी टाइम चाय को पीते हैं। बेटा आपको गर्म नहीं लगी? बहुत तेज गर्म है। ऐसे काम नहीं करने बेटा, आप अभी ना इसमें से ले लो बिस्किट के लिए। ओके फ्राइड से मैं भी एक बिस्किट ले लेती हूँ। मुझे आप लोगों के साथ अपना पूरा दिन स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज का हमारा ये मॉर्निंग नाइट रूटीन पसंद आएगा। यदि आपको हमारा आज का रूटीन पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अभी शाम का वक्त हो रहा है, मैं भी अपने बेबीज को लेकर छत पे आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी हवा चल रही है फैन जैसी, बहुत अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरे पास काटे तो मैं जरूर उड़ाती, मेरा उड़ जाता है। फ्रेंड्स मैं टोल रही हूँ। तो चलिए हम थोड़ी देर मस्ती कर लेते हैं, चलो बच्चों। इसीलिए मैं घर में कुछ गेस्ट आ गए थे इसलिए मैं छत पे आने के लिए बच्चों को लेके थोड़ा लेट हो गई हूँ। हमारे कढ़ी और चावल बनके तैयार हो गए हैं, बस इसमें तड़का लगाने को रह गया है। अभी नीचे जाके हम इसको तड़का लगाते हैं, रेडी कर देंगे। आज हम उम्मीद करते हैं आज का आपको हमारा फुल डे का वीडियो पसंद आएगा। नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हम आपके साथ अपना नाइट का रूटीन भी शेयर करने वाले हैं। साथ खड़ी हो गई हूँ। फ्रेंड्स हमें काफी देर हो गई छत पे आए और अंधेरा भी होने को आया है, तो चलिए हम चलते हैं नीचे। सो फ्रेंड्स जाते जाते आपको छत से बाहर का भी दिखा देती हूँ एक बार। देखिए कैसा लगता है शाम के टाइम, सूरज ढल चुका है। ये है हमारे छत से चारों तरफ का व्यू। ये देखिए फिर से वही ट्री आ गया है हमारे वीडियो में जो हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। ये देखिए भाई देखिए कैसा हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स चंदा मामा भी हमारी वीडियो में कैप्चर हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चंदा मामा चल रहे हो। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम नीचे क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका है।
फ्रेंड्स अभी हम छत से आ गए हैं नीचे और अपने रूम में आ गए हैं। देखिए इधर अब हम बेटा रेस्ट करेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, बातचीत करेंगे। आओ आप भी आ जाओ इधर, मम्मा के पास जल्दी से। उसके बाद हम डिनर करेंगे। डिनर? हाँ जी। अन्ना भैया मम्मा ने क्या बनाया आज डिनर में? कढ़ी चावल। आपको पसंद है? हाँ जी। ओके, आज हम कढ़ी चावल खाएंगे। मैं इनसे खाऊंगा। धानी? हाँ जी। आपको कैसा लगता है कढ़ी चावल? सो फ्रेंड्स आज हमने डिनर में कढ़ी चावल बनाए हैं, आज हम वही खाएंगे। बैक कैमरे से दिखाते हैं, फ्रंट कैमरे से अच्छे से नहीं नजर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे नव्या का बेबी है। सो फ्रेंड्स हमारा खाना हो चुका है रेडी, और देखिए हमारा खाना हो चुका है रेडी, और यहाँ पे बेबीज बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। अभी देख लीजिए यम्मी लग रही है ना फ्रेंड्स? हाँ जी। तो चलिए अब हम बेबीज को खिलाते हैं खाना। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अनव्या कढ़ी चावल खा रही है। अनव्या कैसे लगी बेबी आपको कढ़ी चावल? खाओ आराम से खाओ। सो फ्रेंड्स देखिए धानी ने कढ़ी चावल तो खा लिए, अब ये कॉलीफ्लावर के साथ चपाती खा रही है। धानी कैसी लगी आपको कॉलीफ्लावर की सब्जी और कढ़ी चावल? चलो आराम से खाओ, मम्मा आपके पास ही बैठी है। ठीक है। सो फ्रेंड्स यदि आपको आज का हमारा ये मॉर्निंग टू नाइट रूटीन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बेबी थोड़ा और खा लो, थोड़ा सा और खा लो, टमी थोड़ा सा और भर लो अपना। एक मम्मा को दिखाइए चावल। फ्रेंड्स ये वीडियो ना मम्मा शूट कर रही है। फ्रेंड्स मम्मा खाना खा रही है, ये देखिए कढ़ी चावल, और ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए मम्मा को दिखा दो बेबी। ये देखिए मम्मा खा रही है, और दीदी भी साथ में, और जमेला जब मेरी मम्मा भी कढ़ी चावल खा रही है, और जब मम्मा कढ़ी चावल खा रही थी उसके बाद हम और आगे चलेंगे फिर। सो फ्रेंड्स यदि आपको आज का हमारा ये व्लॉग मॉर्निंग टू नाइट पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स अब हम आपको मिले एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।